एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू के लिए। बिल्कुल सही बात है, ये टी एन मिल गया, तो फिर से हम चाहते हैं कि थोड़ा टी एन माइनस वन भी तो निकाल लें, टी एन माइनस वन निकाल लें। तो टी एन माइनस वन निकालोगे तो टी एन माइनस वन को क्या बोलेंगे बताओ, कि टी एन माइनस वन तो यही होगा ना कि सम ऑफ एन माइनस वन टर्म्स माइनस सम ऑफ एन माइनस टू टर्म्स, ये तो बनेगा। से फिर सुनो, nth टर्म था सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट एन माइनस वन टर्म्स टी एन माइनस वन, ये मेरा क्या है एन माइनस वन टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट एन माइनस वन टर्म्स, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, द सम ऑफ फर्स्ट एन माइनस वन टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट एन माइनस टू टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो तो ये बनेगा भाई। तो फिर देखो यहाँ ये लाने के लिए ये एन को किससे रिप्लेस कर लें, एन माइनस वन से रिप्लेस कर डालो, एन को जो ही एन माइनस वन से रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा टी एन माइनस वन, दिस विल बी ए टू टाइम्स, ये एन माइनस वन एन विल बी रिप्लेस माइनस वन प्लस बी, तो थोड़ा और सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा ए टाइम्स टू एन माइनस थ्री और प्लस कितना बी, तो फिर से डी जो निकल, ये हो जाएगा मेरा टी एन माइनस वन, तो डी क्या निकल कर आता है कि टी एन माइनस वन, तो टी एन तुम्हारा ये था, दिस ये घटा दो, दिस इक्वल टू ए टाइम्स ये है तुम्हारा टू एन माइनस वन माइनस टू एन प्लस कितना थ्री, और ये बी से बी कॉम्पनसेट हो गया तो कितना निकल का आ गया टू ए, ये डी इक्वल टू टू ए निकल का आ गया। लेकिन ये बातें वैलिड कब है, जब टी एन माइनस वन निकालने गए तो ये तो वैलिड स्टेटमेंट है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री के लिए वैलिड है, यहां समझना, तो ये n ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री के लिए वैलिड है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू n ग्रेटर देन इक्वल टू टू के लिए है, तो दोनों में कॉमन क्या आ गया थ्री के बाद, जब थ्री पुट करेंगे तो ये तो d जो दिया ये तो d दिया t3 माइनस t2, ये दिया ये कांस्टेंट आया है टू आया, लेकिन देखो इक्वल टू वन डालोगे तो n इक्वल टू वन पे s1 कितना होगा, n इक्वल टू वन पे s1 क्या होगा a प्लस बी प्लस सी, ये निकल आएगा n इक्वल टू वन पे फर्स्ट टर्म, और सेकेंड टर्म जो t2 आएगा वो दोनों का डिफरेंस तो कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये तो ap है कब ऑनवार्ड्स ऑनवार्ड्स सेकेंड टर्म, इस चीज को नोट करके लिख लेते हैं, ये क्लास में भी थोड़ा टाइम लेता है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को लिख डालोगे कि इफ sn इक्वल टू, इसको ध्यान से लिखना, इफ sn इक्वल टू an स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, इफ एस एन इक्वल स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, वेयर एस एन डिनोट द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए सीरीज, वेयर एस एन डिनोट्स द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए सीरीज, देन होल सीरीज आर नॉट इन एपी, देन होल सीरीज आर नॉट इन एपी, इट इज एपी फ्रॉम सेकेंड टर्म ऑनवर्ड्स, इट इज एपी, इट इज एपी सेकेंड टर्म्स ऑनवर्ड्स ऑनवर्ड्स, इसका मतलब क्या हुआ सर कि अगर किसी सीक्वेंस का एन टर्म्स का सम ये लिख के दिया तो ये एपी हमेशा नहीं होगा, लेकिन ये एपी है कब सेकेंड टर्म्स के बाद, जो फर्स्ट टर्म है वो इसका एपी फॉलो नहीं करेगा, तो इफ एस एन इक्वल टू दिस वेयर एस एन सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए देन होल कैन इट एपी फ्रॉम सेकेंड टर्म ऑनवर्ड, सेकेंड टर्म के बाद ये क्या होगा एपी में होगा, तो ये पिक्चर क्लियर होना चाहिए। फिर सुन लो हम क्या बोले कि अगर किसी सीरीज का एन टर्म्स का सम एक क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इस टाइप से है ए एन स्क्वायर प्लस बी एन कॉन्स्टेंट नहीं है तो मस्ट भी एपी में होगा, उस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा तो जो एन स्क्वायर का कॉफिशियंट है उसी का डबल, मतलब कॉफिशियंट ऑफ एन स्क्वायर का ट्वाइस इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दैट एपी, क्लियर। दूसरी बात को बच्चा पूछा सर कॉन्स्टेंट रहेगा तब क्या होगा, तो मानो कोई सीरीज है जिसमें एन टर्म्स का सम एक क्वाड्रेटिक दिया तो क्या ये एपी है, ये एपी नहीं है, ये एपी क्या नहीं होगा, हाँ है कब सेकेंड टर्म ऑनवर्ड्स, लॉजिक क्या एस एन ये था टी एन माइन टी एन ये था टी एन माइनस वन था कॉमन डिफरेंस ये टू ए निकल का आ गया फिक्स हो गया, लेकिन ये वैलिड कब है एन ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री के लिए, तो थ्री और टू लेकिन वन तो वैलिड नहीं है तो क्या टी टू माइनस टी वन ये वैलिड होगा, तो टी टू तुम यहां से निकाल के देख लो, टी टू कहां निकालोगे टी टू यहां से निकाल देख लो, टी टू यहां से निकाल लो टू डाल के,
टी टू तुम यहां से निकालो और टी वन तो एस वन के बराबर होगा। देख लो यहां पे कि टी टू, अगर टी टू की बात करें, टी टू तो तुम्हारा टी एन कहां गया, ये टी एन गया, तो यहां से टी टू चाहिए क्योंकि एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू है, तो टी टू हो जाएगा थ्री ए क्योंकि फोर माइनस वन थ्री ए प्लस बी, और एन इक्वल टू वन पे एस वन पहला टर्म्स का सम, तो टी वन मेरा ये है कितना है ए प्लस बी प्लस सी, तो यहां देखो टी टू माइनस टी वन ये कितना है टी टू माइनस टी वन ये टू ए प्लस सी आ गया, ये एक्स्ट्रा टर्म दे दिया, तो वो एपी है बट ऑनवर्ड्स सेकेंड टर्म्स। मेरे हिसाब से काफी बार बोल चुके हैं, इस बात को ध्यान रखना होगा। प्रूफ प्रूफ इसका ये, क्योंकि स्टेप क्वेश्चन हो सकता है, हमें लगता है जेमिन में इससे रिलेटेड सम इस बार नहीं पूछा, तो मैं भी डाल दे और क्या बेसिक कंसेप्ट मेरे पास ये रहेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे भी रोटेट कर ले, हम ध्यान रखेंगे सी नहीं है तो एपी है, सी है तो क्या एपी नहीं है, एपी है बट कब, सेकेंड टर्म्स के बाद, सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म ये एपी होगा, बट ये टर्म होगा तो एपी इन्वॉल्व नहीं होगा। लॉजिक लॉजिक टी टू माइनस टी वन ये था, यहाँ देखो टी थ्री माइनस टी टू ये था, इसके बाद कुछ भी करोगे टी फोर माइनस टी थ्री वैल्यू पुट करके देखना सब टू आएगा, वो तो एपी है बट पहला टर्म एपी ने मेंटेन किया। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, फिर थोड़ा आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी क्वेश्चन आता है रेशियो करके, एकदम फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछते हैं आईटी, ध्यान से एकदम, इफ रेशियो ऑफ द सम ऑफ एन टर्म्स, इफ रेशियो ऑफ, इफ रेशियो ऑफ एम टर्म्स द सम ऑफ एम टर्म्स एंड एन टर्म्स, द सम ऑफ रेशियो ऑफ द सम ऑफ एन टर्म्स एंड एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन एज, ऑफ एन एपी इज गिवन एज। देखो एनसीईआरटी बेस्ड कंसेप्ट है, इसलिए यहां जे मेन माने का पूरा पूरा इसका चांस रहता है। क्या बोलता है बेटा कि कोई एक एपी है, ठीक है, उस एपी में एन टर्म्स का सम, ठीक, मतलब एस एन, उसी एपी में एन टर्म्स का सम मतलब एस एन का रेशियो, मतलब एस एम अपॉन एस एन, ये एस एम अपॉन एस एन, इसका वैल्यू नहीं, दोनों का रेशियो ये गिवन है, मानो दिस इक्वल टू इज गिवन एज एस एम अपॉन एस एन, दिस इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस बी एम और ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, मान लो ये लिख के दिया है, दोनों एपी का एम टर्म्स और एन टर्म्स का सम का रेशियो लिख के दे दिया है। फिर हमसे पूछता क्या है कि देन फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स mth और nth टर्म का रेशियो पूछता है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ mth टर्म और nth टर्म का रेशियो तुमसे पूछा जाता है, और यह कंडीशन है कि a नॉट इक्वल टू जीरो। यहां सुना क्या बोल रहे हैं भाई, ये बोला है कि एक एपी का, एक एपी में n टर्म्स और n टर्म्स का रेशियो ये लिख के दे दिया सर, ठीक है दे दिया लिख के, फिर पूछता है उसमें m टर्म्स और n टर्म्स का रेशियो क्या होगा, उसी एपी में mth टर्म और nth टर्म दोनों मंत्र समझना, mth टर्म और nth टर्म का रेशियो क्या होगा। तो हम जानते हैं सर कि अगर लेके ऐसा प्रूफ समझते हैं एस एम बाय एस एन दिस इक्वल टू ये लिख के दे दिया ए एम स्क्वायर प्लस बी एम बाय ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, दोनों का रेशियो ये, इसका मतलब एस एन क्या होगा, तो काइंड ऑफ दिस मतलब इसका कोई मल्टीपल ए एम स्क्वायर प्लस बी एम काइंड के, और एस एन क्या होगा तो ए एन स्क्वायर प्लस बी एन काइंड के, क्योंकि दोनों का रेशियो बराबर है तो कुछ मल्टीपल का काइंड ऑफ के कि कोई मल्टीपल होगा, ठीक। फिर बताओ ऐसे मालूम है, ऐसे मालूम है वो तो एपी का टर्म्स है, तो क्यों नहीं यहां से हम टीएम निकाल लें, तो टीएम कैसे निकालेंगे सर, तभी जस्ट हम जानते हैं टीएम निकालना कि टीएम कैसे निकालेंगे, सम ऑफ
एम टर्म्स माइनस एम माइनस वन टर्म्स, भाई क्लियर है। तो इसकी वैल्यू क्या निकल गएंगे, मानो के तो दोनों में कॉमन है, के तो कॉमन ले लिए, ऐसे हो जाएगा ए एम स्क्वायर, ए कॉमन ले लो, माइनस उधर से आएगा एम माइनस वन का स्क्वायर, हम लिख चुके हैं फिर से लिख रहे हैं, प्लस यहां से बी आएगा, ये आएगा एम माइनस वन, यही तो आएगा दिस, तो दिस विल बी के टाइम्स, ये ए है, ये जाएगा टू एम माइनस वन, फिर ए प्लस बी की बात करेंगे, टू एम माइनस वन और ए माइनस बी एलिमिनेट हो गया, प्लस इधर से देखो बी केवल बी देगा, तो ये नेट के तो ओवरऑल मल्टीप्लाइड में है, तो दिस इक्वल टू कितना आ गया, के टाइम्स ए इंटू टू एम माइनस वन प्लस बी, ये आ गया बेटा। सिमिलरली टीएन की बात करेंगे, टीएन क्या आ जाएगा, के टाइम्स ए टू एन माइनस वन प्लस बी, ये आ गया। तो दोनों का रेशियो पूछा है, तो रेशियो निकाल डालो, टी एम बाई टी एन, तो रेशियो के कंपनसेट हो गया, कितना ए टाइम्स टू एम माइनस वन प्लस बी बाय ए टाइम्स टू एन माइनस वन प्लस, मतलब क्या हुआ सर, कि अगर किसी एक एपी में सम ऑफ एम टर्म्स सम ऑफ एन टर्म्स का रेशियो दिया हुआ है, उसी एपी में एमएथ टर्म और एनएथ टर्म का रेशियो पूछे तो कैसे निकालेंगे, तो कहता है ए को एम को किस रिप्लेस कर लो, टू एम माइनस वन प्लस बी, ए टू एम माइनस वन प्लस बी, ठीक है। उसके बाद देखो प्रॉपर्टी ऑफ एपी, तो इसको जल्दबाजी में बोल देते हैं, भरवली सबको याद पड़ जाएगा, प्रॉपर्टी ऑफ एपी, इसकी अपनी एपी का कुछ कुछ प्रॉपर्टी था, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी, मान लो कोई ए वन ए टू ए थ्री ये एपी में था, उसमें कुछ ऐड करे या सबट्रैक्ट करे तो किस में होगा, एपी में होगा, सबको लिखा नहीं रहे, मतलब इसको जल्दबाजी में रिविजन करा देते हैं। सेकेंड पॉइंट कि अगर भाई मान लो ए वन ए टू ए थ्री ए एन एपी में है तो हम क्या क्या जानते हैं, इसे ध्यान करो, इफ ए वन ए टू ए थ्री दिस वन ए एन माइनस वन ए एन, अगर ये एपी में है तो फर्स्ट पॉइंट, अगर इसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करें फिर भी एपी, मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें फिर भी एपी, तो अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या होता था, के टाइम्स, डिवाइड करते थे तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या होता था, डी बाय के टाइम्स, फिर अगर दो एपी को जोड़ते थे, अगर मान लो एक ए वन ए टू ए थ्री ए एन एपी में है, बी वन बी टू बी थ्री बी एन एपी में है, तो हमसे कोई पूछे ए वन प्लस बी वन ए टू प्लस बी टू कॉरस्पॉन्डिंग दोनों टर्म्स को जोड़ेंगे वो भी एपी होगा, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, जो पहला एपी का कॉमन डिफरेंस दूसरा एपी का कॉमन डिफरेंस का सम होगा, फिर डिफरेंस भी तो वो भी एपी होगा। फिर थर्ड पॉइंट बताए थे कि अगर भाई मान लो थर्ड पॉइंट ये था कि अगर दो एपी को प्रोडक्ट करेंगे ए वन ए टू ए थ्री ए एन एपी में है, बी वन बी टू बी थ्री ये भी एपी में है, दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन एपी में था, क्या मल्टीप्लिकेशन एपी में होगा, तो मल्टीप्लिकेशन एपी में नहीं होगा। तो मोटा मोटी क्या हम बोले, हम बोले कि इफ वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन अगर ये एपी में है तो इसमें कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म प्रत्येक टर्म्स में कोई भी कॉन्स्टेंट ऐड करे सब्ट्रैक्ट करे एपी में होगा, तो बिल्कुल सही बात है एपी में होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो जो ओरिजिनल का था वही रह गया, अगर इसमें किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करें क्या एपी होगा, तो वो भी एपी होगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे कॉन्स्टेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, नहीं तो सब टर्म्स जीरो बन जाएगा, तो क्या एपी बनेगा, बनेगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो के टाइम्स कॉमन डिफरेंस, फिर डिवीजन करेंगे तो सिमिलरली कॉमन डिफरेंस डी बाई के हो जाएगा, दो एपी को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी एपी होगा, लेकिन दो एपी को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो वो एपी नहीं बनेगा, क्लियर कट। उसके बाद एक टर्म और था कि इफ ये एपी में था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम भूलते हैं इसको लिख दे रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट आर इक्वल टू ए आर माइनस के प्लस ए आर प्लस के बाय टू, कोई भी एपी अपने एक टर्म पीछे एक टर्म आगे का अर्थमेटिक मीन होगा फॉर ए, वैलिड था फॉर ऑल के, के कहाँ लाई करेगा, वेयर के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो स्मॉलर देन इक्वल टू एन माइनस आर, यहाँ से सम भी आया है इसलिए इंपॉर्टेंट लिख दिए हैं। उसके बाद आगा प्रॉपर्टी, कभी कल जरूरत पड़ता है हमको एपी में तीन टर्म्स लेना, तो एपी में अगर थ्री टर्म्स लेना हो
थ्री टर्म्स तो हम जानते हैं भाई, क्या याद करो, a माइनस डी, ए और a प्लस डी, तो कॉमन डिफरेंस कितना था इसका, तो d था। अगर पांच टर्म लेना चाहेंगे तो a माइनस कितना, 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d, कॉमन डिफरेंस d था। फिर अगर चार टर्म्स लेने की बात करें तो थोड़ा ध्यान रखना है इसको, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, कॉमन डिफरेंस कितना, 2d। तो नेट सेल में याद रखने का तरीका ये भी बोलते हैं, जब हम नंबर ऑफ टर्म्स और लेना होगा तो कॉमन डिफरेंस डी, एक पैटर्न सेट कर लिए, अब डी से कॉमन डिफरेंस, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो 2d, फिर इसी को आगे पीछे करते जाएंगे। ये छोटा सा बात है, और याद को ये भी पीछे बताए थे कब लेते हैं जनरली ये, नहीं तो a प्लस डी, a प्लस 2d लेंगे, ये कब लेंगे, जब दोनों का एडिशन रहेगा तो कॉन्स्टेंट एक हट जाए, इसे प्लस डी माइनस डी, प्लस 3d, प्लस माइनस 3d, dd टर्म्स हट जाता। तो ये संपूर्ण कहानी रहा किसका, AP का बेसिक। दुरुस्त आ जाते हैं GP में, अब थोड़ा जल्दीबाजी में करो, यहाँ टाइम उसी में हम लिए हैं जो लगता है पॉइंट थोड़ा समझाने वाला था, वहाँ टाइम तो लगेगा। अगला लिखो GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किसको बोलते थे, तो जैसे इसमें डिफरेंस की बात करते थे, उसमें रेशियो की बात करते थे। एक ऐसा सीक्वेंस जिसका फर्स्ट टर्म क्या हो, नॉन जीरो, पहला टर्म जीरो नहीं हो, इनफैक्ट हम बोलते हैं पहला टर्म जीरो नहीं है, इनफैक्ट सारा टर्म्स नॉन जीरो हो, जिसे माई मान लो GP। जहां तक हमें ध्यान है, हम तुमको ये डिस्कस किए हैं a1, a2, a3, दिस ऑन an-1, an, ये GP में है। ये GP कैसे चेक करते थे कि पहली बात इसमें कोई भी टर्म्स जीरो नहीं हो, मतलब ai इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल i इज, हर i के लिए कोई भी टर्म्स जीरो नहीं हो। फिर रेशियो a2 बाय a1 दिस इक्वल टू a3 बाय a2 दिस ऑन दिस इक्वल टू an बाय an-1, इसका रेशियो फिक्स हो। तो मान लो रेशियो का पहला लेटर स्मॉल r था, r मान लिए, जब ये सब नॉन जीरो है तो कॉमन रेशियो कभी जीरो नहीं होगा, ये तो वेल नोन है। फिर जब टर्म्स की बात करेंगे तो लेट, फिर देखो यहाँ पे एक इसका भी क्वेश्चन बहुत बार बनता था, जैसे a2 को क्या लिखेंगे a1r, a3 को क्या लिखेंगे a2r, तो ये a1r2 है, एक दो ही पैरामीटर लिखना चाहें तो दिस सॉन, an को क्या लिखेंगे, an को लिखेंगे क्या ar^n-1। तो GP का देखो जो स्टैंडर्ड टर्म्स आ गया, या स्टैंडर्ड अपीयरेंस, ar^2 इंटू दिस सॉन ar^n-1, ये स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ ए GP आ गया भाई, समझ में सहमत हो, ज्यादा टाइम लगना नहीं है। फिर इसी GP का nth टर्म की बात करें तो सबको आइडिया है, फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1, मेरे लगता है एकदम परेशानी नहीं होगा। फिर इसका सम बोले, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो बाय 1 माइनस r, ये लिख डालो फर्स्ट टर्म इंटू दिस। अब कोई बच्चा बोलता है इसी में, मान लो RS अग्रवाल टाइप के बुक में, कि r^n-1 होगा छोटा होगा, तो बेकार की बात है सर, तुम समझ रहे हैं कि प्लस माइनस जैसे मन करना कर लेंगे। ये पे कंडीशन क्या था, जब r 1 नहीं था तब, जब कम नहीं था तब। फिर बच्चा को पूछता है बताइए जब r 1 होगा तब क्या होगा सर, तो ले लीजिए सर r 1, तो r 1 लेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, r 1 पे सब टर्म्स कैसा, a रिमेंस सेम हो गया, तो a वो बन गया, सबका वैल्यू n इंटू a नंबर ऑफ टर्म्स इंटू फर्स्ट टर्म, इसकी बात है। फिर यहां देखो लोग परेशान क्या करता है, हम तो कम से कम 3-4 times देखें क्या, 3 या 4 बार जेई मेन में क्वेश्चन आया है इंक्रीजिंग GP, बहुत वाले के दिया डिक्रीजिंग GP, यहां बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है। जैसे AP में परेशानी नहीं था, APM में क्या बोला कि अगर कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग है, कॉमन डिफरेंस जीरो है तो कॉन्स्टेंट AP है, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग AP है। तो फिर कोई बच्चा पूछता है कि सर यहाँ भी कॉमन रेशियो पे कंडीशन दे देंगे तो काम हो जाएगा, बट नहीं, यहाँ कॉमन रेशियो पे कंडीशन देने पे काम चलेगा, यहाँ पे A और R दोनों पे डिपेंडेंसी होगा। तो फिर बात उठती है सर क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा, तो चलो पहले ये सम लिखो, अभी इनफाइनाइट नहीं लिखे हैं, पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो
फर्स्ट पॉइंट इस कॉमन रेशियो पे ले लो, तो कॉमन रेशियो दो टाइप का भाई, कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो मस्ट भी जीरो तो नहीं होगा, क्योंकि आर भी जीरो नहीं होगा ऊपर लिखा हुआ है। आर जीरो तभी होता है जब कोई टर्म जीरो होता है, कोई टर्म जीरो तो है नहीं, ठीक, कॉमन रेशियो जीरो नहीं होगा। तो दो बातें, या तो कॉमन रेशियो निगेटिव होगा या कॉमन रेशियो पॉजिटिव होगा, क्लियर कर बात। फिर बेटा देखो, अगर कॉमन रेशियो निगेटिव हुआ तो पहला टर्म जो है, मान लो अगर ये पॉजिटिव है, ए अगर पॉजिटिव है, अब ये निगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये निगेटिव, या अगर यही निगेटिव है तो ये पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव। मतलब जब भी कॉमन रेशियो निगेटिव होगा तो अल्टरनेट साइन होगा, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इसकी बात हम नहीं करेंगे। तो यहां लिख देंगे अगर आर निगेटिव है तो अल्टरनेट साइन, अल्टरनेट साइन, बताओ अल्टरनेट साइन है, एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म निगेटिव, तो बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, हम कॉमेंट नहीं देंगे। नाइन इंक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग है, उस पर कॉमेंट हम नहीं देंगे। लेकिन जब कॉमन रेशियो मेरा पॉजिटिव बन जाए, अब थोड़ा ध्यान से सुनेंगे सर, अगर मेरा कॉमन रेशियो पॉजिटिव होगा तो इसको देखो एक टेबल बना काम करते हैं, थोड़ा हम समझाने की भी कोशिश करते हैं, बाद में याद रखने तरीका भी सिखाएंगे, क्लास में भी सिखाए थे, फिर से सिखाएंगे। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट है सर, मान लीजिए ये तुम्हारा है ए, थोड़ा सा छोटा कर दो, और ये बेटा मान लो तुम्हारा है फर्स्ट टर्म ए, ये तुम्हारा है कॉमन रेशियो, इसका है नेचर, नेचर इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग क्या होगा, दिस, ये टेबल बना लेना। अब क्या क्या, तो कॉमन रेशियो फर्स्ट टर्म सर, ये तो बिल्कुल सही बात है, कॉमन रेशियो जीरो नहीं होगा, मतलब दो बात, या तो पॉजिटिव होगा या वो निगेटिव होगा। तो कॉमन रेशियो पॉजिटिव, कॉमन एक चीज और बोल सकते हो कि आर पे कंडीशन क्या होगा, तो थोड़ा सा स्पेस कम दी लिखे हैं, इसको यहीं कैटेगराइज कर लेते हैं, तुम लोग फिर से लिख लेना कि आर जब पॉजिटिव लिए, इसको दो पार्ट में बांट दिए, एक पार्ट बांध दिए आर जब जीरो से वन के बीच में, आर इक्वल टू वन और आर ग्रेटर देन वन, इसको कैटेगराइज कर देना। फिर से एक बात सुनना, थोड़ा सा मिटाए हैं, कॉमन रेशियो नॉन जीरो है, या तो कॉमन रेशियो निगेटिव होगा या कॉमन रेशियो पॉजिटिव होगा, जब कॉमन रेशियो निगेटिव होगा तो अल्टरनेट साइन। अब तुम बताओ, मान लो एक टू है, अगला पॉजिटिव फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, क्लियर। फिर जब कॉमन रेशियो पॉजिटिव है तो उस पॉजिटिव को बांट दिए जीरो से वन के बीच में, वन और वन से बड़ा, क्यों बंटवारा किए, उस पर आ रहे हैं, इसी बंटवारा किए कि अगर आर मेरा वन है तब तो सब टर्म हो जाएगा ए ए ए ए जाएगा, तो फिर सब टर्म तो कांस्टेंट हो गया, फिर से कहाँ इंक्रीजिंग हो कहाँ डिक्रीजिंग हुआ, मतलब ये केस भी कट गया, लेकिन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का केस नहीं बना। अब बच गया जब आर जीरो से वन के बीच में और आर वन से बड़ा होगा तब की बात है। तो देखो इसको पहले कैटेगराइज कर लेते हैं, ए पॉजिटिव आर जीरो से वन के बीच में और ए पॉजिटिव आर वन से बड़ा, दो बातें, ए पॉजिटिव है तो आर पे ये भी केस, ये केस, जब निगेटिव होगा तो दोनों केस, मतलब ए अगर निगेटिव है तो ये आर जीरो से वन और ए जब निगेटिव है तो आर वन से बड़ा। वो सुंदर सुविधा याद रखने का है कि कॉमन डिफरेंस, कॉमन फर्स्ट टर्म पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव, कॉमन रेशियो आइदर दिस और दिस, दोनों लिख दिए, निगेटिव में दोनों साथ लिख दिए, मेरे साथ हो गया। मैं तो ये मान चलते हैं कि क्लास में पढ़ाया हुआ चीज है, फिर से रिविजन कर रहे हैं तो ये मेरे साथ साथ चल रहे होंगे। अब रही बात कि सर इसमें क्या कंडीशन होगा, तो यहाँ बेटा थोड़ा बुद्धि लगाओ, देखो क्या, अगर ए मेरा पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, और जब भी वन से छोटा क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे तो ये कम होगा, होगा तो पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है उसको वन से छोटा मल्टीप्लाई, इससे ये कम हुआ, इससे और कम ये होगा, क्योंकि आर स्क्वायर वन से छोटा के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे भी कम, इससे और कम, मतलब ये डिक्रीजिंग नेचर हो गया, डिक्रीजिंग। ए जब पॉजिटिव है वन से बड़ा तो इससे बढ़ते चला जाएगा, इंक्रीजिंग।
ए जब निगेटिव है, आप ध्यान रखना, ए निगेटिव है उसको वन से छोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो एक क्षण के लिए माइनस फाइव है, ये माइनस फाइव बाई टू, इससे तो बड़ा हो गया, मतलब इंक्रीजिंग, ये फिर डिक्रीजिंग। बहुत बच्चा कंफ्यूज रहता है इसमें, यहां पे तुमको ध्यान देने की जरूरत है, फिर से वीडियो पॉज करके इसको क्लियर करना है, तुमको अपने डोमेन में ले लेना है, और फिर याद रखने तरीका एक और सिखाते हैं। देखो हमें इसे जिसे सेम ग्रेटर देन और लेस देन, लेस देन तो इंक्रीजिंग और अपोजिट है तो डिक्रीजिंग, मोटा मोटी याद रखने तरीका ही बोल सकते हैं। कॉमन रेशियो पॉजिटिव, आर में तो वही बात है ना, या तो आर वन से छोटा, आर वन से बड़ा, वन से बड़ा, अगर ए बड़ा ग्रेटर तो आर भी ग्रेटर वन से, इंक्रीजिंग, ए स्मॉलर आर भी स्मॉलर वन से, इंक्रीजिंग, अदरवाइज अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन इनइक्वालिटी का है तो डिक्रीजिंग, इनफ। उसके बाद सर आइए, ये हो गया इसका नेचर, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। एरो मतलब ये डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, जैसे हम लोग लिफ्ट पे चढ़ते हैं तो एरो नीचे आता है तो हम नीचे जाते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इसे समझना। फिर सर फिर ये आ जाओ, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स तो क्या था, फर्स्ट टर्म बाय वन माइनस कॉमन रेशियो, ये कब था कि जब आर का वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में और साथ साथ आर नॉट इक्वल टू जीरो, और इसको ऐसे भी लेंगे कि आर बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन एक्सेप्ट जीरो, और ये तरीका है इनफाइनाइट टर्म्स का सम, ये था, ये था। उसके बाद इसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टी था, उस प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, जीपी का प्रॉपर्टी था, तो देखो जीपी प्रॉपर्टी क्या था, प्रॉपर्टी ऑफ जीपी, प्रॉपर्टी ऑफ जीपी, इसको फिर से मैं बोल लेते हैं, लिखा चुके हैं, तुम लोग समझते भी हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटा सा काम है, ध्यान ऐसे रखोगे कि अगर भाई मान लो ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन, जैसे एपी में लिखे थे, सिमिलरली अगर ये जीपी है तो इसको किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, के वन ए वन के वन ए टू के टू मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी वो जीपी में होगा, डिवाइड करेंगे तो जीपी में होगा, जैसे हम एड सब्ट्रैक्ट करते थे एपी में तो यहाँ एड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जीपी में नहीं होगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग जो इम्पोर्टेंट है सर, इसको थोड़ा लिख लेते हैं, इसको लिख डालोगे कि इफ ए वन ए टू ए थ्री दिस सॉन ए एन आर इन जी पी, अगर ये जी पी में है तो फर्स्ट पॉइंट ए, वन बाय ए वन, वन बाय ए टू, वन बाय ए थ्री अप टू वन बाय ए एन, ये भी किस में होगा, ऑल्सो इन जी पी, कि अगर ए ए थ्री ये जी पी में है तो इसको वन बाय दिस कर, ये भी किस में होगा, जी पी में। अगर मान लो इसका कॉमन रेशियो आर था, ये जाएगा बीथ कॉमन रेशियो आर वन बाय आर के साथ, जैसे देखो ना टू फोर एट है तो वन बाय टू वन बाय फोर, ये भी जी पी होगा। सेकेंड पॉइंट कि अगर ए वन टू दी पावर के को एक्सपोनेंट किए, ए टू दी पावर के ये एक्सपोनेंट किए, ए टू थ्री पावर के ये भी एक्सपोनेंट दिए, इन टू दिस ऑन ए एन टू दी पावर के, तो ये भी किस में होगा, जी पी में होगा। कॉमन रेशियो कितना होगा, तो पावर बढ़ जाएगा, बीथ कॉमन रेशियो आर टू दी पावर के, ये उसका जीपी हो जाएगा। क्लियर पॉइंट, के क्या, के पे कंडीशन क्या देंगे, के क्या होगा, तो के बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, क्यू फॉर रेशनल नंबर। तीसरा पॉइंट कि अगर ये इस जीपी में है तो इसका लॉग लेने पे सेम बेस पे लॉगरिथम ऑफ ए वन, लॉगरिथम ऑफ ए टू, लॉगरिथम ऑफ ए थ्री इंटू दिस ऑन, लॉगरिथम ऑफ ए एन, ये किस में होगा, एपी में होगा, एपी तो बोलेंगे लेकिन साथ में ये कंडीशन, ये तो आर्गुमेंट बना लॉग का, तो लिखेंगे फॉर ऑल ए आई शुड बी पॉजिटिव फॉर ऑल आई, या फॉर आई इक्वल टू लिख सकते हो वन टू थ्री,
दिस वन, ये टर्म्स बोलेंगे। उसके बाद फिर इसमें भी मानो फोर्थ पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, पॉइंट नंबर टू। अगर थ्री टर्म्स लेना होगा तो क्या लेते थे, ए बाय आर, ए ए आर, फिर इसको जैसे एडजस्ट करना है एडजस्ट कर लो। पांच टर्म लेना होगा तो एक एक और पीछे चलेंगे, इसका कॉमन रेशियो आर था। फिर मानो फाइव टर्म्स साथ, याद करो आर स्क्वायर मतलब कॉमन रेशियो आर ही रहेगा, और जब चार टर्म्स लेंगे तो आर स्क्वायर की बात करेंगे। और फिर एक चीज़ और, जिसे एपी में बोले थे कि अगर बिगनिंग से और एंडिंग से इक्वी डिस्टेंस टर्म्स का सम कांस्टेंट होगा किसी एपी में, तो जीपी में प्रोडक्ट किसका, इक्वी डिस्टेंस टर्म्स का, बिगनिंग से एंडिंग से उसका जो प्रोडक्ट होगा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब पॉइंट नंबर थ्री, पॉइंट नंबर थ्री ये हो जाएगा, ए आर दिस इक्वल टू के इंटू ए आर प्लस के स्क्वायर रूट, किसके लिए, फॉर ऑल के, के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और स्मॉलर देन इक्वल टू एन माइनस आर की बात करेंगे। ये कहानी रहा का मेन मेन पॉइंट हम डिस्कस कर दिए। एचपी, एचपी में ज्यादा कंसेप्ट तो है नहीं, एचपी तो हम समझते हैं। एपी का ही क्या था, रेसिप्रोकल। एचपी में हम क्या समझेंगे,